And with Joe, let's see the question. The question says, among the following, which one is a, a wrong statement? Option A is, SEF4 and CH4 have same shape. Option B is, I3 plus H band geometry. Option C is, PH5 and BICL5 do not exist. And option D is, pi D pi bonds are present in SO2.

बात कर रहे हैं हम शेप की इन केस ऑफ शेप आपको क्या करना है स्ट्रक्चर बनानी है और बोन्ड पेयर और लोन पेयर से डील करना है अगर बोन्ड पेयर और लोन पेयर सेम है या फिर बोले हम ज्योमेट्री सेम है तो उस केस में यहाँ पे शेप क्या होगी सेम होगी ठीक है सेकेंड बोला गया है आई थ्री प्लस एच बैन्ट ज्योमेट्री तो बेंट ज्योमेट्री का मतलब क्या है कि आपके पास एक सेंट्रल एटम है और उसमें साइड एटम्स कुछ इस तरीके से लगे हुए हैं इसको हम वी शेप भी बोलते हैं और यहाँ पे आपके पास लोन पेयर भी हो सकते हैं थर्ड है PH5 एंड BCl5 डू नॉट एग्जिस्ट एंड फोर्थ है पी पाई डी पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन SO2 ठीक है तो वन बाय वन हम ऑप्शंस को लेते हैं और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं ऑप्शन ए है SEF4 एंड CH4 हैव सेम शेप तो देखो AsF4 की स्ट्रक्चर बनाते हैं और सी एच फोर की हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं जब आप एस एफ फोर के आप स्ट्रक्चर से डील करोगे तो ये कुछ इस टाइप इस, इस से होगी जहां पे ये फ्लोरीन एटम्स ठीक है और यहां पे क्या होगा एक लोन पेयर होगा और ये कौन सी जो मेट्री दिस इज शूडो ट्रायगोनल बाई पैरामीटर शूडो ट्राइगोनल बाय पायरामीटर ठीक है सी एच फोर की बात करें तो सी एच फोर कुछ इस तरीके से होता है जिसमें कार्बन के चारों तरफ फोर हाइड्रोजन एटम्स लगे होते हैं और ये होती है टेट्राहेड्रल। दैट देस बोथ आर डिफरेंट सो ये डिफरेंट शेप रखेंगे ठीक है यहाँ पे लोन पेयर है यहाँ पे लोन पेयर नहीं है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर सेम है बट ये सेम शेप के नहीं होंगे दैट मीन्स ऑप्शन ए क्या होगा हमारे पास करेक्ट आंसर होगा हमें रोंग ही बताना था और भी देख लेते हैं हम आगे ऑप्शन बी है I3 थ्री प्लस हैज बैंड ज्योमेट्री तो देखो I3 प्लस I3 प्लस की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगी जिसमें आयोडीन है और यहाँ पे दो आई लगे हुए। ये पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे लोन पी और ये जो ज्योमेट्री होती है कौन सी होती है शेप होती है बैंट शेप या फिर आप क्या बोल सकते हो वी शेप इसको बोल सकते हो मींस ऑप्शन वी क्या होगा करेक्ट होगा ऑप्शन सी में देखें पी एच फाइव एंड बी आई सी एल फाइव डू नॉट एग्जिस्ट तो देखो ऑप्शन सी है पी एच फाइव और बी आई सी एल फाइव अगर हम पी एच फाइव की बात करें तो फॉस्पोल के अगर मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखूं तो कुछ इस तरीके से होंगे जिसमें थ्री एस टू और थ्री पी थ्री आपके पास वैलेंस शैल प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स होंगे अगर मैं इनको ड्रॉ करूं तो यहाँ पे एस में दो इलेक्ट्रॉन पी में थ्री इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे थ्री डी भी होता है वो क्या होता है वैकेंट होता है अब देखो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन को बॉन्ड बनाने हैं फाइव हाइड्रोजन को बॉन्ड बनाने हैं बट यहाँ पे आप क्या कर दोगे अगर आप इसको एक्साइट भी करो क्योंकि फाइव बॉन्ड बनाने हैं तो फाइव अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे राइट अगर फाइव अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे तो ये एक इलेक्ट्रॉन थ्री में जाएगा बट यहाँ पे ये थ्री में नहीं जा पाता है क्यों क्योंकि ये जो हाइड्रोजन एटम लगेंगे ना ये जो फाइव हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पे आप लगाओगे इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और फास्फोरस की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है इक्वल है उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो यहाँ पे ये जो एस से ये जो थ्री एस ये जो थ्री पी और ये जो थ्री डी है थ्री तो एस से थ्री डी में इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है तो ये फॉर्म नहीं होंगे या फिर एग्जिस्ट नहीं करेंगे डज नॉट एग्जिस्ट ठीक है अब बात करें BiCl5 की इसमें Bi आपके पास जो बिस्मथ है ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है अब ये क्यों नहीं एडजस्ट करता है तो सुनो ये आपके पास एक इफेक्ट शो करता है उसको बोलते हैं हम क्या इनर्ट पेयर इफेक्ट अब ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है तो इनर्ट पेयर इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा ग्रुप 13 से ग्रुप 17 के बीच में ठीक है ग्रुप थर्टीन से ग्रुप सेवनटीन के बीच में ये कहता है कि जैसे जैसे आपके पास आप डाउन द दा ग्रुप जाओगे तो एलिमेंट्स क्या होंगे हैवियर होंगे हैवियर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन नहीं होगा और ये इनके जो एक्चुअल ऑक्सीडेशन है ना उससे प्लस टू क्या करेंगे हम लोवर शो करेंगे लोअर प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट

पी ऑर्बिटल होते हैं टू पी और यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होती है ये कौन सी होती है डी पाई पी पाई बॉन्ड्स की होती है क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पी पाई डी पाई या फिर डी पाई पी पाई बॉन्ड्स आपके पास प्रेजेंट होते हैं तो ऑप्शन डी भी क्या होगा करेक्ट स्टेटमेंट होगा हमें बताना इन करेक्ट स्टेटमेंट दैट इज ऑप्शन ए होप यू अंडरस्टूड इट वेल बेस्ट ऑफ लक